और हमारी कंटिन्यूस स्ट्राइक आज नौवां दिन है। यहाँ पर आए हुए बहुत सारे हमारे मेहमान आए हैं, उनमें से एक इश्तियाक मलिक साहब हैं जो कि एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारी एनएचपीसी वर्कर्स यूनियन के और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उसके बाद स्पर्श परिहार साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है चिनाब जोन के, और रहमत चौधरी साहब, और ये सभी, और उसके अलावा शबीर अहमद मोहन साहब, ये सारे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और उसके अलावा अगर मैंने किसी का नाम ना लिया हो, शाम सजाद पिछलू हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, इम्तियाज साहब जरगर ये भी यूनियन लीडर रह चुके हैं, जेपी में इन्होंने काम किया है, रहमत साहब चौधरी, मुश्ताक साहब हक, फरीद साहब, बाकी हमारे। मैं तकरीर करने से पहले जो हमारा वतीरा रहा है, जो हमारा वो नज़्म-ओ-ज़ैन है, मैं जोरदार नारा लगाऊंगा, चेतावनी देना चाहता हूं, यहां किस्त देना छोड़ दो, आप ये गफलत में मत रहो, आप हम ये इनकलाब जिंदाबाद कि हम यहाँ बड़े सारे आप लोगों को, अभी तक आप लोगों ने नज़्म जब्त रखा है, आप डिसिप्लिन से बैठे हो, जो स्ट्राइक करने का तरीका है, जो हमें लेबर लॉज कहता है उसके हिसाब से आप बैठे हो, लेकिन करती थी तब भी यही मजदूर साथी प्ले ग्राउंड में एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट में गोली जैसे आप देख रहे हैं, हमें बाहर से जो है पॉलिटिकल पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। आज किश्तवाड़ की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक हो गई हैं, ये समझ गए हैं कि अगर हम लोग अलग अलग रहे, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की मैं गलती बोलूँगा, आज तक वो बिखरे रहे, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहे, और इन लोगों की हिम्मत जो है इतनी बढ़ी हुई है। आज जब किश्तवाड़ की पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे आ गई हैं, इंशाल्लाह मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है कि इसके परिणाम जो है किश्तवाड़ को बहुत अच्छे मिलेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी आज जो स्ट्राइक एनएचपीसी में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन ने की है, हम इनके समर्थन में, इनकी सपोर्ट में, जैसे हमारे चेयरमैन साहब और मेरे नीरज भाई ने कहा कि शुक्र है देर आया दुस्त आया, अगर रूलिंग पार्टी वाले भी इनके साथ आए या अपोजिशन पार्टी वाले या ओवरऑल जिला किश्तवाड़ की सभी पार्टियों ने आज इन वर्करों के साथ जो अपना समर्थन पेश किया, ये मुबारकबाद की है जिला किश्तवाड़ के तमाम आवाम के लिए, और खासकर जो इस टाइम यहाँ पे जो मजदूर शख्स बैठा है, आप देखिए इनके चेयरमैन जो है भूख हड़ताल पे है 3 दिन से, नंबर एक। नंबर दो, प्रोजेक्ट के एरिया में ये एग्रीमेंट होता है एट द टाइम ऑफ जब टेंडर अलाटमेंट होती है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कंसर्न प्रोजेक्ट जो ओनर होते हैं, बेसिकली जो है जो काम कर रहे हैं वो सब कंट्रेक्टर है, ओवरऑल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है दैट इज चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट एंड द एनएचपीसी, द एग्रीमेंट बिटवीन चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट जो उनका हुआ है, बट जो अब सब कंट्रेक्टर है दैट इज द प्राइवेट एजेंसीज जैसे इफकान है, पटेल है, एलएनटी है या जेपी है, दैट इज अ सब कंट्रेक्टर, बट ऑल आर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज एनएचपीसी एंड चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट। नंबर दो, तीन, इनका जो फर्ज बनता है बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स के लिए, दैट इज प्रोटेक्शन जो होती है, सेफ्टी होती है, उनकी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट एरिया में रिक्वायरमेंट है। तो अभी तक जो देखने को आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% प्रोजेक्ट वाले गलत है, बट मोर देन 50% जो है अभी तक जो है हमारे वर्कर ये लोग जो है उनके साथ जो है वो पूरा फुलफिल नहीं किया जाता है। बेसिक होती है स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, दैट इज लेबर, हेल्पर, मैकेनिक, सीनियर मैकेनिक, ड्राइवर्स या हाईली स्किल्ड जो होते हैं जिसमें टॉप क्लास ऑपरेटर दैट इज टेक्निकल हैंड जो होते हैं, जो बड़े बड़े काम के लिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं। नंबर चार ये होता है जब एग्रीमेंट होता है तो इनके साथ जो है इनकी तनख्वाह जो है गवर्नमेंट एज ए रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कम से कम एक बंदे की 700 से 800 रुपये विड्रा होता होगा गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, और इनको आगे प्रोवाइड किया जाता है 400 या 500 या 600 ज़्यादा जो मुझे लगा, ओवरऑल जो इनकी तनख्वाह जो इस टाइम यहाँ बैठे हैं 18,000 से ज़्यादा किसी की नहीं है। पांचवा यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस टाइम चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट को बुला के और इनके साथ जो इनकी जायज़ डिमांड है इनको पूरा करें। नंबर पाँच, नंबर छः जो है इनकी जो है
ओवरऑल लोकल डेवलपमेंट एरिया फंड्स होती है प्रोवाइड के बाद जो सेस बोलते हैं 1% ओवरऑल, जब खरबों की बात आती है 500 करोड़ 600 करोड़ में 1% भी हो गया कम से कम 50 करोड़ के बराबर, वो यहाँ पे फर्स्ट हेल्थ फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करनी होती है, सेकंड स्कूल, थर्ड जो है लाइटिंग सिस्टम, जो एरिया 5 किलोमीटर एरिया जो है वहाँ पे जो जिनके घर जाते हैं जिनकी जमीन जाते हैं उनको जो है जॉब प्रोवाइड करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयज जे ये चिनाव वैली एंड एनएचपीसी। तो हम इनके समर्थन पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन